अपने सेकंड नंबर जो कि 10:30 बजे वो अब आएगी रात के 2 बजे। हमारी ट्रेन अनएक्सपेक्टेड और बिना अनाउंसमेंट के आ गई है। इसी की बोगी इतनी आगे लगा दी है काम है ना, वो ट्रेन स्टार्ट हो रही है, बात हो रही है। टूरिस्ट एट टाटा नगर। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने लिंगराज टेंपल के दर्शन कर लिए, उसके बाद हम गए थे साक्षी गोपाल। तो अब हमारा वापस घर जाने का वक्त आ चुका है, तो अभी हम जा रहे पूरी, उसके बाद जाएंगे वापस, हमारी ट्रेन है। तो कैसे वो ही आपको इस वीडियो में देखना है, तो बने गाइस। आपको स्टेशन के पास ये होटल, बहुत सारे होटल मिलेंगे, लेकिन इस होटल में तो भूले से भी मत खाना, क्योंकि ये आपको पहले प्राइस कुछ और बोलेंगे, बाद में कुछ और बोलेंगे, ठीक है। आप खा लोगे, पहले खाने से पहले कुछ और प्राइस बोलेंगे, लेकिन आप जब खा लोगे ना, उस टाइम पे कुछ और ये बात ही बदल देंगे, मतलब आपको ठग लेंगे पूरी तरह से। यकीन मानो ये हमारे साथ हुआ है, इसे ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है कि कहीं से भी बाहर से आओ, यहाँ मत खाओ, और पहले ही ना प्राइस ना अच्छे से डिसाइड कर लो। मैं तो बोलती हूँ रिकॉर्ड कर लो, भले ही किसी और में खा लो, ये बेहतर रहेगा पूरी ओडिशा में। A few hours later. ये पूरी स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं माई ट्रेन कितने बजे। चलो, ट्रेन 8:40 की है। पूरी डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टेशन है 10 एंड टोटल नंबर ऑफ टाउन जो है वो 6 है एंड ट्रेन नंबर ऑफ ट्रेन पासिंग है 86 पूरी से, साक्षी गोपाल से 34। आज जो हम ट्रेन लेने वाले हैं वो है पूरी से टाटा नगर के लिए 18477 पूरी योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस, जिसकी टाइमिंग दिखा रही है 11:15 पे। कौन से प्लेटफॉर्म पे अभी वो डिसाइडेड नहीं है। सो बेसिकली इस ट्रेन का नाम है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, जो कि रात के 8:45 में पूरी से खुलती है और साक्षी गोपाल, खुरदुरा रोड, भुवनेश्वर होते हुए टाटा नगर होते हुए पूरा योग नगरी ऋषिकेश तक जाती है, हरिद्वार वगैरह होते हुए। एक चीज़ गाइस जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे फ्री बैटरी कार सर्विस है, जो कि सिर्फ डिसेबल और पेशेंट और सीनियर सिटीजन के लिए, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड हाँ फ्री तो है। तो चलो, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे इस स्टेशन की, आप ले सकते हो ये, और ये हर स्टेशन पे होनी चाहिए। ये लास्ट स्टेशन है, पूरी स्टेशन जो है वो लास्ट स्टेशन है, तो इसके आगे अब ट्रेन नहीं जाती, ट्रेन यहीं से स्टार्ट होती है। सो इस प्लेटफॉर्म पे ना कहीं भी आपको सीढ़ियाँ नहीं मिलेगी स्टेशन को आर पार करने के लिए, आपको पार यहीं से करना होगा पूरे लास्ट। हाँ जी, तो यहाँ पे है स्टॉप, मीन्स अब यहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाएगी, इसके आगे कुछ भी नहीं है आगे इसके, ठीक है। तो इसके आगे आप ऐसे कुछ जाओगे, ठीक है, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप बस यहीं से जाओगे, यहीं से सब कनेक्टेड है, क्योंकि अब यहाँ से आपको पूरा प्लेन मिलने वाला है। उधर बाहर निकल जाओगे, इधर दूसरे प्लेटफॉर्म पे निकल जाओगे, इधर भी एग्जिट है। ये गाड़ियाँ ना बूढ़े लोगों के लिए, पेशेंट और डिसेबल लोगों के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, ये अच्छी चीज़ है, पुलिस स्टेशन पर चलाई जा रही है ताकि उन्हें ज़्यादा मेहनत। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ट्रेन खड़ी है, जिसका नाम है ढौली एक्सप्रेस, और ये आई है 10:46 पे। अभी हमारी ट्रेन को आने में बहुत टाइम है, तो हमने सोचा कि काउंटर से कुछ लेते हैं, तो यहाँ पे पेटीज वगैरह के प्राइसेस लिखे हैं, चाय वगैरह के देख लो, तो वही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ले। वैसे तो हमें सब पसंद है इसमें से, ये ले लो, ये कल खा लो, ये दही। ये कितने की है? 11:00 हैं गाइस। हमारी ट्रेन जो 8:40 में आने वाली थी वो अब आएगी रात के 2 बजे, मतलब डिले हुए, कल भी डिले थी 12 घंटे और आज 5 घंटे, पर पता नहीं, देखो 2 बजे पे आती है या नहीं। हमारी ट्रेन अनएक्सपेक्टेड और बिना अनाउंसमेंट के आ गई है 11:45 पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बहुत बढ़िया। वो तो इंक्वायरी से पता करने के बाद हमें मालूम चला, जल्दी जल्दी में सारे पैसेंजर इधर से उधर कर रहे हैं। ए की बोगी इतनी आगे लगा दी है ना कि मतलब हम पूरा प्लेटफॉर्म ख़त्म करा है। तो हमारी कुछ ये रही B2, फाइनली मिली काफ़ी आगे आने के बाद, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा चल के आगे आना पड़ा है, और कुछ पता नहीं साफ तो हुई है जस्ट। उसके बाद हमने अपना लगेज रख लिया और अभी सब खाली खाली ही है, अभी कोई आई ही नहीं है, और अभी कुछ मुझे तैयारी भी नहीं दिख रही, नहीं जा रही हूँ लाइक अभी कुछ ब्लैंकेट। स्टार्ट होने से पहले ट्रेन के काम नहीं हुई थी, तो अब जो ट्रेन के काम है ना, वो ट्रेन स्टार्ट हो रही है, बात हो रही है, इसलिए पूरा गेट कंजेस्टेड हो रखा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। कुछ भी पिलोज वगैरह मिल रहे हैं, देखो देखो मिल रहे हैं पिलोज वगैरह, कुछ भी नहीं मिले, धीरे धीरे मिल रहे हैं ब्लैंकेट्स पिलोज वगैरह। गाइस हमने अपनी बेड लगा ली, हमारी मिडिल और अपर वाली है,
चप्पल अंदर कर देती The next morning. Guys, good morning हो गई है, 8:30 हो गई है, 9 बजे हमारी ट्रेन पहुँच जाने वाली है. टाटानगर पहुंच गए 9:30. ये ऋषिकेश जाती है ना. वी रीच्ड एट टाटानगर एंड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है ये ट्रेन टाटानगर में. स्टेशन देखो गाइस, टाटानगर स्टेशन. अभी एक न्यू ट्रेन आई 9:41 में, जिसका नाम है, क्या ये बेनाम है? अच्छा अच्छा, हमारी ट्रेन 9:41 में खुल गई. Few moments later. यहाँ की वॉल पेंटिंग देखो गाइस. ये है एग्जिट, यहाँ पे आपको सो जाएगा, सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे. हम टाटानगर पहुँच गए और अभी बज रहे 10:05 और हमारा जर्नी का बहुत अच्छे से हो गया और हमारी ट्रेन थी शायद 3 घंटे लेट. सुबह के 5 बजे पहुँचने वाले थे बट 9:30 में पहुँचे. ठीक है, अच्छा रहा जर्नी, अच्छी रही जर्नी हमारी. आपको वीडियो अच्छी लगी करना. देखो गाइस, इतने सारे पिजन्स और यहाँ